नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बेसिक क्लास में। मित्रों, ये कक्षा 5 की मैथ आप देख रहे हैं इस समय, और विशेषकर इसे पवन पाल जी के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखना, पूरा देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप डेमो देख रहे हैं तो, अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आप भी क्लास को इस तरह से देख सकते हैं, ज्वाइन कर लें, आप भी इस तरह सवाल पूछ सकते हैं। प्रसारित रूप आज हम देखेंगे, शायद इसे इंग्लिश में एक्सपेंडिंग फॉर्म बोलते हैं, तो हम हिंदी में फिलहाल देख रहे हैं। प्रसारित रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई भी नंबर है उसको फैला करके लिखना, मतलब विस्तार से लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात समझ लो, फिर अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिखा है 217, मैंने क्या बोला, इसे 200 और 17 ना, तो आप इसे क्या करोगे, 200 लिखोगे और प्लस 17। इसको अभी और ज़्यादा विस्तार कर सकते हो, आप 17 को 10 और 7 लिख सकते हो, तो ये हो गया क्या, कम्प्लीटली 217 का प्रसारित रूप, 200 प्लस 10 प्लस 7, ठीक ना। मतलब जितने भी पार्ट में वो टूट सकता है उतने पार्ट में उसको तोड़ दो, इसी को बोलते हैं विस्तारित रूप। चलो ठीक है, 342 का बताओ आप सभी, 342 का देखते हैं कौन कौन बताता है। रिफ्रेश किए, उसको ओपन कर दीजिए कंप्रेस वाला। 342, 342 में ये टूटेगा ना, मतलब ये 300 प्लस 42, और फाइनल में क्या होगा, 300 और 42 को आप लिखोगे 40 और 2, ये होता है इसका प्रसारित रूप। अब अगर आपकी किताब में चलें, कोई बड़े क्वेश्चन है तो उनमें थोड़ा सा आपको झेलना पड़ता है। जैसे अभ्यास 2 है, ये पवन जी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें इनका पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, का नंबर, वो क्या कहता है, आप सभी अगर इसे देख रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, 42 68 21 67, 42 68 21 67, ये बड़ा संख्या है ना, इसे प्रसारित रूप में कैसे करोगे। पहले तो इसे आप पढ़ना सीख लो, क्या है ये, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे देख लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मंगा सकते हो, या फिर PBR स्टडी ऐप में आप सारी क्लास इकट्ठा पा सकते हो, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, देखो ये करोड़ तक जा रहा है, कितना जा रहा है, करोड़ तक। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, इस संख्या के बाद, 4 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो, बस ये बात जान लो, 4 के बाद जितनी संख्याएं उतना जीरो लगा दो, तो इसका विस्तारित रूप कुछ इस तरह हो जाएगा। 4 के बाद कितना जीरो रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना जीरो रहेगा, 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गया 4 करोड़। ये क्या लिखा है, 4 करोड़। अब 4 को छोड़ दो और फिर से गिनो, 1 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 लाख, है ना। तो क्या करोगे, 26 लिख लो और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो, 26 के बाद देखो कितना जीरो होगा, 5 जीरो, है ना, ये आसान तरीका है, ऐसे समझ लो, 4 करोड़ 26 लाख हो गया। अब देखो 42,167 है ना, तो साथियों 82,000 कैसे लिखोगे, आप 82 लिख लो, ये 82 जो है इसे ऐसे लिख लो और फिर जितनी संख्या है 82 के बाद उतना जीरो लगा दो, ये सबसे आसान तरीका है। तो 3 संख्या 3 जीरो लगा दिया, ये हो गया, उसके आगे जगह नहीं, इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ, नहीं तो आगे लिख लेना। अब बचा 167, इसको तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको सिखाया है, 167 को आप 100 प्लस 60 और प्लस 7 में तोड़ दोगे, ये हो गया इसका विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, ठीक ना। तो ये का नंबर हो गया, इसमें एक जो और बहुत गड़बड़ सा है वो इंगा नंबर है, इसको भी लिख लो, मिस्टर 53 है, 12 89 12, ठीक ना, समझ लो सवाल, एक समझ लो, सब कर लेना खुद से, ये मत सोचना कि हम एक एक छपवा दें, चीज़ों को समझिए, ठीक ना, छापने की कोशिश मत करिए ज़्यादा। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 31 लाख, 28,912 है, तो 5 के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, 3 3 6 1 7 0, 3 4 5 6 7, 31 के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, 5 जीरो, ये 5 जीरो, फिर 28 के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, कितनी, 3 ना, जितना है उतना लगाते जाओ, 28 के बाद 3 जीरो, फिर क्या है, 912 है ना,
तो 900 और 12 मतलब 10 धन 2, ये हो गया प्रसारित रूप। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मिस्टर, है ना? तो नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद अगला आता है इसी का उल्टा, संक्षिप्त रूप। क्या आता है? संक्षिप्त रूप आता है। संक्षिप्त रूप में क्या करते हैं, जस्ट इसी का उल्टा होता है साथियों। संक्षिप्त रूप में संख्याओं को छोटे पद में लिखते हैं, मतलब फैली हुई जो होती है ना उनको छोटा करके लिखते हैं कम जगह में। कैसे? जैसे देखो, अगर ये संख्या लिखी गई है, इसे संक्षिप्त रूप में पूछा जाए, ये जो लिखी गई है, ठीक, तो आपको क्या करना है, जीरो हटाने हैं सब में से। पाँच के बाद जीरो है तो आप केवल पाँच लिखोगे बस। 31 के बाद जीरो है, 31 लिख लो। 28 के बाद जीरो है, 28 लिख लो। 912 है ना, तो क्या लिखोगे, 9 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, बस। ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप, हो गया। कितना आसान तरीका है ना संक्षिप्त रूप लिखने का, कितना आसान तरीका है। सब में से जीरो हटा दो बस, सब में से जीरो हटा दो, संख्या लिख लो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या नंबर है संक्षिप्त रूप, जो इनके अभ्यास 2 में दिया गया बुक में। देखते हैं क्या है ये भाई। 4 के बाद इनके बहुत सारा जीरो लगा है, अब कितना जीरो लगा है। हाँ, एक बात और समझना, ये रूल सभी पे फॉलो नहीं होता है, जो मैंने बताया कि एक एक गिनती लिख लो, नहीं तो किसी किसी में गलत भी हो जाएगा। इसके लिए सही तरीका ये है कि इसको आप नीचे ऊपर लग के जोड़ोगे, नीचे ऊपर लिख के जोड़ोगे, ठीक ना, तब सही तरीका होता है। सभी में ये फॉलो नहीं होता है। हाँ देखो, इनमें जो है भाई ढेर सारा जीरो है, समझ में नहीं आ रहा कितना जीरो है, तो मैं देख लेता हूँ जूम करके थोड़ा सा। 3 3 6 1 7 जीरो है, कितना है, 7 जीरो है, 3 4 5 6 7 जीरो है। फिर 1 के बाद 6 जीरो है, 3 4 5 6, फिर 4 के बाद कितना है भाई, 4 जीरो है, और फिर 4000 है, 20 और 3 है। इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। ध्यान देना, तरीका समझना, क्वेश्चन लिखने से कोई बहुत मतलब नहीं है, केवल तरीका समझ लो कैसे करते हैं, और क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखना अगर समझना है तो, ठीक ना। चलिए देखो ये क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़। हाँ, संक्षिप्त रूप लिखने का एक ही तरीका है कि पहला नंबर तो आप इसे नीचे ऊपर लिख के लिख सकते हो, दूसरा शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया। 4200, देखो लास्ट में 400 नहीं है, 4023 है ना। अगर वो तरीका लगाओगे जो मैंने नीचे बताया था, एक एक गिनती लिख लो, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सीधा तरीका ये है, आप इसे नीचे ऊपर लिख के जोड़ डालो सभी को, ऐसे नीचे ऊपर लिखो जल्दी से फटाफट। चलो 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 लग जाओ। 4 लिख के 7 जीरो था, 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो था, ये देखो 6 जीरो लग गया, एक यहाँ लिख दिया। 4 के बाद 4 जीरो है, ये देखो 4 जीरो, ये यहीं पे गड़बड़ हो जाता, बीच में जीरो आना चाहिए, लेकिन अगर आप गिनती गिनती उतारते तो जीरो ना आता। फिर 4 के बाद 3 जीरो है, फिर क्या है, 20 है, देखो यहाँ पे भी एक गलत होता, यहाँ पे 3। ये संक्षिप्त रूप लिखने का सही तरीका है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लो, फिर छोटी, उसके नीचे सब लिखते जाओ, जोड़ डालो। इसके ऊपर 0 0 है 3 होगा, इसके ऊपर सब 0 है 2 होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0 होगा, इसके ऊपर देखो सब 0 है 4 होगा, ये भी 4 होगा, इस पर कुछ नहीं है 0 1 और 4। ये संक्षिप्त रूप हो गया, बात समझ गए ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है संक्षिप्त रूप लिखने का। तो पवन जी मिस्टर, मैं समझ चुका हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना, समझ गए, तो नोट कर लो जल्दी से। इसके आगे है आपका, वो क्या कहता है, यार ये बड़ा गड़बड़ गड़बड़ भाई लाइन भेजा हुआ है, क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके चारों तरफ। इतना लिख लो मिस्टर जी, अगर आप भी क्वेश्चन भेजते हैं इस तरह से, आपने भी विशेष क्लास को ज्वाइन किया है मंथली पे में, तो आप क्वेश्चन को सीधा सीधा भेजा करिए, ठीक ना। टेढ़ा मेढ़ा भेजेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, नहीं बताया जाएगा, फोटो सीधी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप इसे डेमो देख रहे हैं कहीं पर, तो आप भी ज्वाइन कर लें, PVR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे बेसिक मैथ ज्वाइन कर लें।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान में ऐसे का चिन्ह या फिर ऐसे का चिन्ह भरिए। ध्यान देना, मतलब जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ दो मुंह खुलेगा, 34, 98, 63, 45 ये संख्या है, और 21, 64, 824 ये दूसरी संख्या है। ध्यान देना, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। देखो यार, सबसे पहले तो ये देखना कि दोनों के अंक जो हैं बराबर संख्या में हैं कि ज़्यादा कम हैं। जिस संख्या में ज़्यादा अंक हैं वो बड़ी होगी, बस सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात ध्यान देना, उसमें पहले जीरो नहीं होना चाहिए शुरू शुरू में। अगर शुरू शुरू में जीरो लगा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाद में अगर जीरो है, ज़्यादा अंक की संख्या है तो वही बड़ी होगी। बात समझो पहले, छोटी सी बात, फिर बाद में देखना। देखो इसमें कुल कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 है, इसमें देखो 3, 4, 7 ही अंक हैं, उसमें 7 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं इसमें, 7 हैं, इसमें टोटल कितने, 8 हैं। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ज़्यादा अंक है तो ये बड़ी है, बस चाहे अंक चाहे जो भी हो। मुसीबत तो तब आती है जब दोनों में अंकों की संख्या समान होती है, तब हमें और कुछ देखना पड़ता है, ठीक ना। हाँ, ये इधर वाले में लग जाएगा, आपकी बुक का सवाल है ये मिस्टर जी, समझ गए होंगे आप। और ध्यान देना एक और चीज़, मैंने कहा जब अंक ज़्यादा होंगे तो वो संख्या बड़ी होगी, लेकिन हर जगह आपको ध्यान से देखना है। जैसे कहीं ऐसे मिल गया आपको 1, 2, 3, 5, 7, और एक संख्या मिल गई 2, 1, 8, 3, 5, और क्या है ये देखो 3, 2, 5, 2, 7 है कहने का मतलब, और ये देखो 5 है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में ये संख्या बड़ी, ये छोटी है, क्यों? अब आप कहोगे इसमें तो 7 अंक था, उसमें तो 5 अंक था, वो कैसे बड़ी है? क्योंकि इसमें इस दो अंक का कोई मतलब नहीं है, निष्क्रिय है। अगर शुरू में जीरो लगा है तो वो संख्या अंक में नहीं जोड़ी जाएगी, फिर ये 5 ही अंक की संख्या है। अब देखो ये भी 5 अंक है, वो भी 5 अंक है, तो इसमें कुछ और चीज़ तुलना होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहले आप ये समझ लो कि जिसमें अंकों की संख्या, ये देखो इधर अगर ये जीरो लग गया तब ये बड़ी हो गई, अब ये बड़ी हो गई, जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है वो संख्या बड़ी होगी, ये पहले समझ लो। क्यों बड़ी होगी? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, ये है 12,35,700, ये 12,35,000 है, ये केवल 21,835 है, तो भाई लाख वाला बड़ा है कि हज़ार वाला? लाख वाला बड़ा है ना। तो ये हो गया, आपने पहला कॉन्सेप्ट समझा कि जब अंक बराबर होंगे तब हमें समझना है ज़्यादा, अगर अंक बराबर नहीं है तो जिसमें ज़्यादा अंक हैं वो संख्या बड़ी होगी, उधर को आप चिन्ह लगा दोगे। अब अंक बराबर होने पर समझो, अंक अगर दोनों में बराबर हैं तो कौन बड़ी है, संख्या कैसे जानोगे? जैसे 100, 200 दे दिया तो आप आसानी से जान जाओगे कि 12 और 20 में कौन बड़ा है, सभी जानता 20 बड़ा है। 217 और 315 में कौन बड़ा है, सभी जानता है कि 315 बड़ा है। लेकिन अगर मैंने दिया 21,319 और 18,315, तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। आप सबसे पहले आपको देखना है अंक दोनों में बराबर हैं, हाँ बराबर है। सबसे पहला अंक की तुलना करो, इसमें 2 है, इसमें 1 है। जब अंक बराबर होंगे, ध्यान देना, सबसे पहले अंक की तुलना करना, जिसमें का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है ना, इसका मतलब ये बड़ा है, सिंपल सी बात है बस। लेकिन मुसीबत तब आती है यार जब ये कुछ ऐसे हो 319 और ये भी ऐसे हो। अब देखो क्या करोगे, पहला अंक की तुलना करो, हाँ जी करा, दोनों बराबर है, दोनों में पहला नंबर, दोनों में 5 अंक है, दोनों में 5 अंक है, पहला अंक दोनों में 2, 2 है, अब कुछ नहीं निष्कर्ष निकल रहा। दूसरा अंक की तुलना करो, दूसरा अंक भी बराबर है, अब क्या होगा, इतने पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, आगे बढ़ते रहो। तीसरा अंक की तुलना करो, अगर बराबर निकल रहा है तो कोई ना कोई छोटा बड़ा होगा ज़रूर, अगर कोई छोटा बड़ा नहीं मतलब दोनों संख्या बराबर है। तो देखो तीसरा अंक, देखो तीसरा ये भी बराबर है, हाँ जी बराबर है। चौथे पे चलते हैं, चौथा बराबर है, हाँ जी बराबर है, सब बराबर है जा रहा है का। पाँचवा अंक की तुलना करो, नहीं मिल गया, इसमें 9 है, उसमें 5 है, ये बड़ा, इसका मतलब ना, तो ये संख्या बड़ी है। बात समझ गए ना, समझ गए ना, तो अब सब समझ गए होगे यार। अगर अंक बराबर हैं
दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं तो आप एक एक अंक की दूसरे वाली संख्या से तुलना करोगे, जिसमें कि अंक बड़ा मिल गया वो बड़ी हो जाएगी, अगर इसमें ज़्यादा अंक हैं उसमें कम अंक हैं तो ये बड़ी होगी। वैसे बिना कुछ सोचे समझे आँख बंद करके लगा दो तो ये छोटी और बड़ी संख्या आप समझ गए होंगे मिस्टर पवन जी, और आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे थे उन सब के लिए, ठीक ना। अगला आपका नया चैप्टर अब शुरू होगा, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है मिस्टर, वन अभ्यास आपका ये ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। अभ्यास टू अब अगला आपका शुरू होगा मूल संक्रियाएं। यार उल्टा पुल्टा भेजे हो काजी मिस्टर, मूल संक्रियाएं अब आपका मतलब ये दूसरा अभ्यास भी ख़त्म हो गया कि अभ्यास टू था ना ये, हाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब आप इसके बाद जोड़ना घटाना सीखोगे, ठीक ना। तीसरा अभ्यास में आप एक तरफ से क्वेश्चन सीरियल से भेजना मिस्टर। तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। एक बात आप याद रखना, कल आपकी मैराथन क्लास होगी, कल आपकी मैराथन होगी 19 तारीख को, ठीक है। शाम को सॉरी सुबह जो है आपकी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास होगी, 3 घंटे या 6 घंटे की क्लास होगी, 7 बजे से लेके 10 बजे तक 19 तारीख को, ठीक ना। तो सुबह 7 से 10 मैराथन ज़रूर देखना। और एक बात, ये 7 से 10 होगी यार कि 7 से दोपहर 1 बजे तक होगी, 6 घंटे की क्लास होगी, देखना जरूर मैराथन, ठीक है। फिर आप 20 तारीख को इसका दूसरा अगला पार्ट फिर से देखेंगे, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। मिलते हैं फिर, जय हिंद। और हाँ, अगर कोई और भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को डेट एक्सपायर होने के बाद में देख रहे हैं तो फिर ये मैराथन वगैरह आपके लिए लागू नहीं होगा।